हे गाइस, वेलकम बैक अगेन वेबिनार एकेडमी। मैं हूँ आपका होस्ट हैसी। तो देखो यार, वीडियोस बहुत दिनों बाद में बना रहा हूँ, फिर कुछ पर्सनल रीजन की वजह से वीडियोस नहीं बन पा रही। खैर, मेरे पास एक क्वेरी आई थी काफ़ी सिंपल सी और सॉफ्टवेयर वेबसाइट रिलेटेड, तो आज के वीडियो में हम सेम क्वेरी को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपके पास भी कोई क्वेरी रह जाती, कुछ पूछना हो वेबसाइट रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर डायरेक्टली हमें इंस्टाग्राम के थ्रू रीच आउट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो आज का क्वेरी क्या था। जैसे हम लोग लियोन सॉफ्टवेयर को सॉल्व करते हैं और आपने मल्टी डोमेन ऐड किया हुआ है, तो हम देखो जितने भी डोमेन होते हैं वो सारे सारे यहाँ पे शो हो जाते हैं। लेकिन कभी बार होता है क्या, यूजर जो भी होते हैं आपके वेबसाइट, वो डायरेक्टली आपके सेकेंड डोमेन को, अगर डोमेन को शॉर्ट कर देंगे, तो जो आपने मल्टी लेवल के पेजेस ऐड किए वो डायरेक्टली वहाँ पर रिडायरेक्ट ना होकर डायरेक्टली आपके फाइनल पेज पर चले जाते हैं। इसे आप देखने के लिए डायरेक्टली यहाँ पर जाओ, तो एडमिन एरिया में जाने के बाद सिंपली सेटिंग में, उस पर जनरल सेटिंग जाओ, तो यहाँ देखो जो आपने मल्टी डोमेन अगर आपने सेव किया हुआ है तब, ठीक है। देखो मल्टी डोमेन के यहाँ पर होता है, उस पर डिफॉल्ट शॉर्ट डोमेन भी होता है, ठीक है। तो बहुत बार होता है कि यूजर डायरेक्टली इस डोमेन पर अगर शॉर्ट कर लेंगे तो जितने भी आपने पेज बनाए मल्टीपल, वो साइकिली वहाँ पर शोर नहीं होगी यूजर्स को। तो इससे अगर बचने के लिए क्या करना, बहुत सिंपल सा ट्रिक आपके पास मैं बताने वाला हूँ। जैसे उसे फॉलो कर लेना, सारी चीज़ें फिक्स हो जाएंगी और जितने भी यूजर चालाकी दिखा रहे थे वो बाकी अब आगे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके लिए बहुत सिंपल से क्या करना है, अपने सी पैनल में आपको चले जाना, जो भी आप होस्टिंग आप यूज़ करो, जिस उसके होस्टिंग पैनल चाहिए, उसके बाद सिंपली फाइल एंड में चले जाना, जहाँ पर भी अपने डोमेन को यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है सिंपली। उसके बाद आपको अपने डोमेन में चले जाना, मेन डोमेन जहाँ पर भी आपने इंस्टॉल किया हुआ है स्क्रिप्ट, राइट। यहाँ तो हमारे मेन स्क्रिप्ट जहाँ पर इंस्टॉल थे उसमें हम लोग आ चुके हैं। अब आपको जिस जिस फोल्डर में मैं बताने को बता रहा हूँ, जस्ट उसमें आपको चले जाएँ। सबसे पहले तो एक ऑप्शन होगा, आपको फोल्डर देखने को मिलेगा SRC, आपको इसे ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे आप बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाए, तो अब आपको देखो नीचे चले जाए, उसके बाद एक ऑप्शन आपको मिलता है टेम्पलेट का, ठीक है, इसे आप ओपन कर लेना। अब जैसे इतना कर ले, तो अब आपको देखो तीसरे नंबर पर देखने को मिलता है सेल, आपको इसमें चले जाना है, ठीक है, इसे ओपन करो। उसके बाद आपको चले जाना है लिंक, तो कोई जितना भी जो भी फोल्डर मैंने बताया डायरेक्टली उसे देखना, सारे फोल्डर वाइज नेम मैं स्क्रीन पर भी देख दूंगा, डायरेक्टली उतना ओपन कर लेना, ठीक है। तो जस्ट उतना ओपन करने के बाद इस डोमेन या फिर कभी इस फाइल पर आप चले जाओगे, जस्ट इस फाइल को आपको क्या करना है, एक बार सेलेक्ट करके एडिट मोड में ओपन कर लेना, यहाँ पर इसे एडिट कर लेना, ओके। जैसे जो ओपन कर लेते हैं, अब देखो यहाँ पे ये फाइल हमारा ओपन हो चुका। अगर इस डोमेन या फिर इस फाइल के पास भी देखोगे, सिंपली आप अपने डोमेन को यहाँ पर, अगर मैं कॉपी करके आपको एक बार दिखा दूँ आपके पास को, जस्ट इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, एक बार सारे कोड में पहले बाहर से कॉपी करके रखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी आपने कोड देखे हो, तो यहाँ पर देखो ये आपका मेन डोमेन हो जाएगा, राइट। उसके बाद आपको चले जाना है SRC में टेम्पलेट, उसके बाद सेल, उसके बाद लिंक, उसके बाद शॉर्टनर member.cp, इस फाइल को हमको ओपन करना है, ठीक है। आई होप समझ गए हो क्या। जस्ट अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर नीचे ना, और आपको चल जाना है 57 नंबर लाइन में चल जाना, ठीक है। इस वर्ड को आप ध्यान रखना, डोमेन भी आप सर्च कर सकते हो। यहाँ तो हमारा 57 नंबर पर यहाँ पर देखो गेट मल्टी डोमेन लिस्ट का ऑप्शन दिया जाता है, ठीक। उसी बात यहाँ पर 59 पे आपको गेट डिफॉल्ट डोमेन, ठीक है। क्या करना है आपको, जस्ट इस वाले लाइन को यहाँ से सिंपली से आप कॉपी कर लेना, उसके बाद यहाँ पर देखो गेट मल्टी डोमेन लिस्ट जो लिखा हुआ है, जस्ट इसके साथ आप रिप्लेस कर दो, ठीक है। बहुत सिंपल से स्टेप है, जस्ट इतना करने के बाद सिंपली आप यहाँ पर सेव चेंजेस कर देना। जितना करते हो अब आते हैं दोबारा से अपने पेज पर, यहाँ देखो रीलोड करते हैं, तो लिंक शॉर्ट करते हैं। अब यहाँ देखो आपने जो भी डिफॉल्ट डोमेन सेट किया, तो वही जितने भी आपने चार पांच जितने भी सर्च किए, सारे जगह पर आपको सेम ऑप्शन ही देखेंगे। तो अब यूजर जितने भी डोमेन शॉर्ट करना चाहेगा सेम डोमेन के साथ ही शॉर्ट होगा, तो अब जो यूजर आपके साथ फ्रॉड कर रहा था वो नहीं कर पाएगा। अब बाय डिफॉल्ट इसी डोमेन के साथ आपके जितने भी लिंक होंगे वो शॉर्ट होंगे, तो आपने जितने भी डोमेन के पेज ऐड किए होंगे वो सारे यूजर को ओपन करना ही पड़ेगा। तो गाइस देखो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, आई होप शायद ये अभी आपको क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर देना वेबसाइट रिलेटेड, साथ ही और भी कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए चाहो तो आप उनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। और साथ ही देखो ऐसे कंटेंट देखना अगर आपको पसंद है तो हमें यार सपोर्ट करो, ऐसे ही कंटेंट आपको लगातार मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आई होप यू लाइक इट, थैंक यू।